रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब आपकी जेब पर और खर्च बढ़ने वाला है। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल टैक्स में 10 से 15 फीसदी तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी की है, जिसकी दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। टोल टैक्स में बढ़ोतरी के बाद अब आपको नेशनल हाईवे पर सफ़र करने के लिए 10 से 65 रुपये तक अतिरिक्त चार्ज देने होंगे। तो वहीं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की भी फ्री सेवा अब 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी और वहाँ से गुजरने वाले वाहनों को टोल टैक्स देना होगा। NHAI ने टोल टैक्स में 10 से 65 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। छोटे वाहनों के लिए 10 से 15 रुपये, जबकि कॉमर्शियल वाहनों के लिए 65 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सराय काले खां और काशी टोल प्लाजा के बीच के कारों और हल्के मोटर वाहनों के लिए टोल 140 रुपये से बढ़ाकर 155 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही सराय काले खां से रसोलपुर सिकरोड प्लाजा तक के नए रेट 100 रुपये और भोजपुर जाने के लिए 130 रुपये है। अब इस टोल का बोझ आम आदमी पर भी पड़ेगा, क्योंकि इस रोड से जाने वाली बसों से भी टोल लिया जाएगा, जिससे बसों के किराए में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जो सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर जाएगा। तो वही बात उत्तर प्रदेश की राजधानी दिल्ली की करें तो लखनऊ से इस समय 6 नेशनल हाईवे जुड़ते हैं। इनमें से एक हरदोई हाईवे पर अभी टोल लागू नहीं है। वहीं सीतापुर हाईवे पर टोल दरों में अक्टूबर से बदलाव होगा, लेकिन कानपुर, अयोध्या, रायबरेली और सुल्तानपुर जाने के लिए टोल टैक्स अधिक देना होगा। नई दरें 1 अप्रैल रात से लागू हो जाएगी। लखनऊ रायबरेली हाईवे यानी कि दक्षिणा शेखपुर प्लाजा पर अब छोटे निजी वाहनों के लिए 105 रुपये देने होंगे, जबकि बस, ट्रक, दो एक्सल के लिए 360 रुपये। ठीक इसी तरह लखनऊ अयोध्या हाईवे यानी नवाबगंज टोल प्लाजा पर अब छोटे निजी वाहनों के लिए 110 रुपये देने होंगे, जबकि बस, ट्रक, दो एक्सल के लिए 365 रुपये देने होंगे। यानी कि अब 1 अप्रैल से हाईवे पर सफ़र करने के लिए आपको जेब ज़्यादा ढीली करनी होगी। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।